दोस्तों बिल्कुल नहीं बनेगा बाइसेप अगर आपका मूवमेंट इस तरीके से है तो। इस तरह से गलत मूवमेंट करके आप अपना बाइसेप को ग्रोथ नहीं करा सकते। देखो मैं अलग अलग एक्सरसाइज का बताता हूँ आपको। बारबल कल जब आप करते हैं तो आपके आर्म साइड में रहेंगे और आपका बाइसेप भी मूव करे ना, उसी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पूरी बॉडी को हिला डुला के करेंगे, आपकी लोअर बैक ट्रेन हो रही है, आपका शोल्डर काम कर रहा है, बाइसेप पे कम लोड आ रहा है, लोअर बैक को ट्रेन करना तो और बहुत एक्सरसाइज है ना। बाइसेप के टाइम पे क्यों उसको ट्रेन कर रहे हो आप? ऐसे ही आप डंबल कर्ल में ना पूरा मूवमेंट करते हैं, डंबल को इतना पीछे से लेके आते हैं, बॉडी मोमेंटम से उठाते हैं, आप बॉडी को मूव करके उठा रहे हैं वेट, बाइसेप से नहीं उठ रहा वेट। तो सही तरीका जो मैं बार बार बोलता हूँ, अपने साइड में रखें अपना आर्म्स को और सिर्फ बाइसेप को वर्क करने दें। सेम आप देखो इजेड बार कल में पूरा मूवमेंट रखो, क्लोज ग्रिप करना है तब भी और इसको वाइड ग्रिप से पकड़ना है तब भी, पूरा नीचे जाएगा बाइसेप आपका स्ट्रेच होगा, पूरा ऊपर कंसंट्रेट होगा और सिर्फ बाइसेप भी मूव करे। एल्बोज को ऊपर नीचे मत लेके आओ, आधा मूवमेंट मत करो जैसे ये दिखाया है, इसमें मूवमेंट भी पूरा नहीं है और आपका शोल्डर भी मूव कर रहा है, बैक भी मूव कर रही है और पूरी बॉडी से मोमेंटम लेके आप उठा रहे हो वेट, तो बाइसेप लोड आ ही नहीं रहा, बनेगा कैसे? सेम हैमर कल में है, देखो सही मूवमेंट ये है हैमर कल का, साइड में रखो बाजू को, पूरा स्ट्रेच नीचे स्ट्रेच करो बाइसेप को और मूवमेंट रेंज वो मूवमेंट पूरा रखो, बाइसेप पे लोड रहे। अगर इस तरीके से आप हिल डुल के हैमर कल करेंगे ये इसका कोई मतलब नहीं है। और फोर आर्म्स में आप देखो जो सही मूवमेंट है वो ये है, और अगर आप इस तरीके से गलत मूवमेंट करते हैं तो फोर आर्म्स पे लोड आ ही नहीं रहा है। तो देखो आप कई बार क्या गलती करते हैं, प्रोफेशनल बड़े एथलीट को देख के अपना मूवमेंट सेट करते हैं। बड़े एथलीट के सभी मसल बड़े हैं, उसका मसल बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा जो कंडीशनिंग कम करते हैं उनका मसल स्टिप भी हो जाता है और उनका मसल माइंड कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, वो थोड़ा बहुत गलत मूवमेंट भी हुआ तब भी उनका मसल पकड़ में रहता है। लेकिन आप लोग ना बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट एथलीट हैं, आप सही मूवमेंट को पकड़ें। जब वो एथलीट्स एडवांस एथलीट अपने बिगिनिंग लेवल पे थे तब ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो और ज़्यादा उनका मूवमेंट एक्यूरेट था। तो आपने सही एक्यूरेट मूवमेंट से शुरू करना है। ये जो इसमें सही और गलत मैंने दोनों मूवमेंट साथ साथ दिखाए, इनको कॉपी करें सभी बॉडी पार्ट्स में, यही चीज़ काम करेगी। सही पॉस्चर, सही मूवमेंट, पूरा बाइसेप को स्ट्रेच करके, रेंज ऑफ मूवमेंट, पूरे मसल को स्ट्रेच करके, रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा, तभी आपका मसल ग्रोथ करेगा, चाहे वो बाइसेप है या चेस्ट है, लेग्स है, आपकी बैक है, कोई भी बॉडी पार्ट है। मूवमेंट बहुत मैटर करता है, 8 से 12 14 रैप मसल फेलियर लोड पे करना आपने सही पॉस्चर में। थैंक यू।